एक शख्स पर हमला हुआ। तीन आदमी हाथों में पिस्तौल लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स ने फायर करके भागने वाले आदमी को कत्ल कर दिया किया। अब बता सकते हैं कि उन तीनों अशख़ास में से कत्ल किसने किया? व्हाट्सएप भाई, कैसे हम सभी लोग, वेलकम टू अनदर न्यूड। मैं हूं आपका दोस्त फैसल और आप देख रहे हैं फैसल एनाटेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून वीडियो आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, आपने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी करने हैं और लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। ठीक है, आपने काम क्या करना होगा वो इसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, काम मैं आपको बताऊँगा, करना आपने होगा, रिस्क अल्लाह ताला आपको देगा, स्टेप बाई स्टेप काम करना होगा आपने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नो फेक ट्रिक्स और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बार पे लिखना है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मिहाल गेम, इसे आपने सर्च कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये फोर नंबर जो है ना ऐप डिटेक्टिव मिहाल डिटेक्टिव गेम, इसे क्लिक करते हैं। आपने इसे इंस्टॉल कर लेनी है। चलो इसे ओपन करते हैं। आपने गाइस सबसे पहले यहाँ से अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर लेना। ठीक है, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा काम कौन सा करना है, यहाँ पर स्टार्ट पर फिर आपने क्लिक कर देना है। ये पहला पार्ट है, ए मैन वॉज अंडर अटैक, थ्री पीपल वेयर चेजिंग आफ्टर हिम होल्डिंग गन्स। ठीक है, ये पहला पार्ट आपने स्क्रीन रिकॉर्ड पूरी होने देनी है। तकरीबन 10 सेकंड आपने स्क्रीन रिकॉर्ड पहले पार्ट को करनी है। इसके बाद ये तीर वाला ऑप्शन है, फिर क्लिक करके ये दूसरा पार्ट है, हिज वाज किल्ड आफ्टर बीइंग शूट बाय वन ऑफ द थ्री पीप। दूसरा पार्ट मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 सेकेंड आपने ये भी वेट कर लेना है। तीसरा पार्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये तीसरा पार्ट है, कैन यू गाइस विच मैन किल्ड हिम। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, 8-10 सेकेंड तकरीबन इसको भी आपने कर लेना है। ये काम जब आपका हो जाएगा अभी आपने बैक चले जाना है। ठीक है, अभी आपने नोट पैड में इसकी उर्दू लिख लेनी है। ये तो तीसरी पार्ट की इंग्लिश थी ना, तीनों पार्ट की इसकी आपने उर्दू लिख लेनी है। मैंने लिख के रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अभी मैं इस उर्दू को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी। उस सर्च बार पे आपने लिखना है 11 लैब्स, ये एक वेबसाइट है, इसे आप क्लिक करते हैं। ये पहली नंबर की वेबसाइट है ना, 11 लैब्स, इसे ओपन करते हैं। वो गाइस जो मैंने वहाँ से टेक्स्ट लिखा था इसे यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ से इसे क्लिक कर देते हैं। एक आदमी पर हमला हुआ, तीन आदमी हाथों में पिस्तौल लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स ने फायर करके भागने वाले आदमी को कत्ल कर दिया किया। अब बता सकते हैं कि उन तीनों अशख़ास में से कत्ल किसने किया? ठीक, अभी आपने यहाँ तीर ऑप्शन का इस तरह डाउनलोड कर लेना है। जो मेरा काइन मास्टर, मैं ओपन करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, 16:9 आपने रेशियो रखनी है। ठीक है, क्रिएट कर देना है इस तरह से। अच्छा गाइस, सबसे पहले आपने वीडियो पर क्लिक करना है, इस तरह से मिक्सर पर जाना है और यहाँ से इसने आपने साउंड को ऑफ कर लेना, नहीं तो आपका कॉपी राइट आ जाएगा। ठीक है, बैक चले जाते हैं, पैन एंड जूम इसे क्लिक करते हैं, आपने इसे बड़ा कर देना है। यहाँ पर ठीक है, बैक जाते हैं। अभी आपने वही आईडी लगानी है जो मैंने वहाँ से 11 लैब से डाउनलोड किया है। ठीक है, एक शख्स पर हमला हुआ, तीन आदमी हाथ, अभी मैं आपको दिखाता हूं। एक शख्स पर हमला हुआ, तीन आदमी हाथों में पिस्तौल लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स ने फायर करके भागने वाले अदमी... पार्ट अभी हमें कट करना पड़ेगा, यहाँ से पार्ट खत्म हो रहा है ना। यहाँ पर ड्रीम एंड स्पिरिट, इस पर जाना है आपने, और स्पिरिट इस पर क्लिक करते हैं। फालतू पार्ट है, ये कट करना है तकरीबन आपने यहाँ से। अभी देखते हैं एडजस्ट हुआ है या नहीं। हुए थे,
उनमें से एक शख्स ने फायर करके भागने वाले आदमी को कत्ल कर दिया किया। अब बता सकते हैं, अब ये पार्ट खत्म हो चुका है, यहां से आपने फिर इसे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कत्ल कर दिया किया। अब बता सकते हैं, तकरीबन आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। जब ये तीन डाकू आपके सामने आ जाएंगे, ट्रिम स्प्लिट करके लेफ्ट पर आपने इसे कट कर देना है। इसके भी आपने दो पार्ट बनाना है, वो किस तरह मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने इस वीडियो को फिर एक बार ट्रिम स्प्लिट पर चले जाना है, ठीक है। अभी आपने इस वीडियो पर इस पार्ट पर क्लिक करना है और आपने इसे हाथ से ऊपर ले जाना है। सॉरी दोस्तों, पहले पेन एंड जूम पर क्लिक करके इसे आपने ये यहाँ पर ले आना है, ठीक है, इस तरह से। अभी देखते हैं हमारी वीडियो किस तरह बन चुकी है। कर दिया किया। अब बता सकते हैं कि उन तीनों अशखास में से कत्ल किसने किया। ठीक है, एक शख्स पर हमला हुआ, तीन आदमी हाथों में पिस्तौल लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स ने फायर करके भागने वाले आदमी को कत्ल कर दिया किया। अब बता सकते हैं कि उन तीनों अशखास में से कत्ल किसने किया। अभी आपने फालतू वाला जो पार्ट इसे कट कर देना, डिलीट कर देना इस तरह से। ये हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आपने इसे सेव किस तरह करना है, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन इसे क्लिक करते हैं, सेव एज वीडियो। ये दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।